दिल्ली के चंदर विहार स्थित नगर निगम के स्कूल के सामने लगा कूड़े का ढेर, नगर निगम नहीं करा रहा सफाई। दिल्ली के नांगलोई इलाके के चंदर विहार नगर निगम स्कूल के सामने ही लोगों ने कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया है। स्कूल के बाउंड्री वॉल के किनारे किनारे चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है। नगर निगम के कर्मचारी नहीं दे रहे हैं ध्यान। ये तस्वीर है दिल्ली के नांगलोई चंदन विहार इलाके की, जहाँ नगर निगम स्कूल के सामने मेन गेट पर लोगों ने कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया है। दरअसल लॉकडाउन के चलते पिछले 5 महीने से स्कूल नहीं खुला, जिसके चलते लोगों ने स्कूल के मेन गेट के सामने ही कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया है, जिस वजह से स्कूल के मेन गेट के सामने और स्कूल की चार दीवारी के बगल भी कूड़े का ढेर लग चुका है, जिससे सारा कूड़ा रोड पर उड़ता रहता है। नांगलोई विधानसभा का चंदर विहार इलाका काफी बड़ा वार्ड है, जहां पर एक भी कूड़ा घर नहीं है, जिस वजह से लोगों को दिक्कत होती है और लोग स्कूल के मेन गेट के पास खाली जमीन देखकर वहां पर कूड़ा फेंककर चले जाते हैं। वहीं सड़क पर फेंके इस कूड़े की वजह से बरसात के मौसम में कूड़ा सड़ जाता है और इस वजह से बदबू भी आने लगती है और इस सड़क से गुजरना मुश्किल हो जाता है। कूड़ा रोज ही पड़ता है जी यहाँ, कभी उठता नहीं है। क्या कारण है ये ऐसा? कारण क्या है कि यहाँ इस एरिया में खत्ता है नहीं कोई, ठीक है, खत्ता ना होने से खत्ता नहीं है, इस चक्कर में लोग यहाँ फैन जाते हैं लावर जगह समझ के, बिना अगर कोई कंप्लेंट आगे करो कोई सुनाई नहीं। तो लोग यहाँ पे बच्चे भी पढ़ने आते हैं स्कूल में? हाँ, तो आजकल वैसे लॉकडाउन के चक्कर में बच्चे छुट्टियाँ हैं, लेकिन जब बच्चे आते हैं पढ़ने स्कूल तो अभी पढ़ा रहता है, तो भी पढ़ा रहता है, कोई सुनाई नहीं। बीमारियों का भी फैलने का डर है यहाँ पे? हर एक चीज का। कितनी समस्याएं होती है यहाँ पे? एक तो पानी नहीं है पीने का, सप्लाई का वो तो है ही नहीं, दूसरा एक नाले गंदे का भी सफाई कभी आज तक नहीं हुई, जब हम छुट्टी कर रहे हैं। बात करें इस कूड़े की, तो यहाँ पे समस्याएं होती है इस कूड़े से? हाँ, बहुत खत्ता ना होने की वजह से यहाँ पे लोग कूड़ा फेंक जाते हैं। अब खत्ता अब बनाना इन्होंने शुरू किया, देख लेना।